कहना तो यही चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारा हिंदू सब जो है अभी सब सोया हुआ है पूरा तरीका से एकदम, और जिसको भी बोलने जा रहे हैं तो बोलता है कि हमको इससे मतलब नहीं है भैया, हमको उससे मतलब नहीं है। अरे एक हमारा हिंदू बेटी का घर, हमारा हिंदू बहन का घर इस तरह हो चुका है, जब हमारा घर जब किसी का पड़ोस में इस तरह होता है, जब किसी का दर्द नहीं समझ सक रहा हमारा हिंदू साहब, किसी का घर में ये बीत रहा है तो वो बोलता है कि हम जा करके कि हमको उससे मतलब ही नहीं है। और यही हम मुस्लिम में देखिए आप जा करके कि एक मुस्लिम समुदाय को किसी लड़का को हम मार दे रहे हैं तो वो जा करके साला पूरा संगठित अपना तुरंत तैयार कर लेता है। अभी एक तरह जो शाहरुख खान जो नाम है उसको अभी जरा जेल में डाल दिया तो सारा आदमी उसको बचाने के लिए लग गया, और हमारा हिंदू समाज ये बोलता है कि हमको भैया जब उसको सजा मिले कोर्ट देगा ये देगा। अरे तुम तो रोड में तो उतर के देखो, रोड में साला हमारा जो साला मुस्लिम साला चुपके थे लोग फोटो वायरल होने उसको बचाने के लिए तो फोटो वायरल करने लगा तुरंत। दो दिन हुआ नहीं है फोटो इतना वायरल हो गया कि पूरा भारत में फोटो फैल चुका है। और हमारा जो हिंदू बहन के साथ इस तरह घटना हुआ उसको बचाने के लिए हमारा हिंदू नहीं समाज नहीं से उठ सक रहा, और उसको बचाने के लिए पूरा मुस्लिम समाज उठ गया। तो इसी में आप अंदाजा लगाइए कि हमारा हिंदू कितना कमजोर हो चुका है कि किसी को कोई मुस्लिम समुदाय को देखिए एक झाप मार करके सारा मुस्लिम 5 मिनट के अंदर एकदम पूरा समाज एकदम घेर लेगा, उनको एकदम पूरा चौक जाम कर देगा, रोड जला देगा, दुकान जला देगा, सच एकदम जो नहीं करने का वो करने लगेगा। यही घटना जो अभी हिंदू समाज के साथ हुआ वो एक मुस्लिम समाज के साथ होता, अभी दुमका में जो नहीं कोई आज का युवा देखा होगा वो देख लेता अभी यहाँ पे, जो अभी एक हिंदू का समाज हिंदू के साथ हुआ तो अभी देख रहे दुमका में कितना शांत प्रकार का लग रहा है, कोई लग रहा ही नहीं कि दुमका अभी दुमका युवा तो पूछ रहे हैं भैया क्या हुआ जरवाड़ी में, नहीं मालूम अभी हमको क्या हुआ, किसी से पूछ रहे क्या हुआ बता हमको मालूम नहीं है। एक मुस्लिम का देखे थे ना कहाँ पे जो घटना हुआ था पूरा रोड जाम, एक नूपुर शर्मा एक बयान किया क्या किया पूरा 54 देश खड़ा हो गया, एक नूपुर शर्मा का बयान में पूरा 54 देश खड़ा हो गया, आज हमारा हिंदू बेटे को जला दिया तो साला हमारा हिंदू ही समाज का भी नहीं खड़ा हो रहा है। तो क्या ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा हिंदू भी जागरूक होगा इससे? क्या बोलते हैं अंकिता सिंह को लेकर के हम लोग एक भैया आए हुए थे हम लोग का जाकर के यहाँ के क्या बोलता है जामताड़ा से बजरंग दल के वो थे हम लोग आए थे उसको पहुँचाने के लिए, वो आए थे बोला था कि हम लोग को बॉडी देखना है, तो हम लोग भैया चलिए बॉडी वहाँ विष्णु थावा में रुका हुआ है तो हम लोग आपको दिखा देंगे, बोला ठीक है चलिए वहाँ से हम लोग, जबकि हम लोग कोई गलती नहीं है डीसी एसपी हम लोग उधर हम लोग जब आ रहे थे टावर चौक से वापस तो डीसी एसपी हमको और एक भैया को और एक भैया था प्रदीप नाम था जबरन हम लोग उठा लिया गया था वहाँ से उठा के जबकि थाना में 2 दिन रखा हम लोग को थाना में रखा गया रात में, गाली गुलज किया हम लोग के साथ, हम लोग को पूरा गंदा गाली दिया थाना में, और भी माँ लगा के गाली दिया कि तुम लोग ये है, तुम लोग माँ लगा के गाली दिया, तुम लोग पूरा हिंदू समाज का ठिकान लेके रखा है, तुम लोग भड़ुआ है दलाल है, और नूर मुस्तफा नाम है जो हम लोग को गाली दे रहा था उसका नाम नूर मुस्तफा यहाँ का वो थाना में है, तो पूरा जाकर के हम लोग संगठन जो हम जिस संगठन से हम लोग जुड़े हैं उस संगठन को गाली दिया कि तुम्हारा तो भड़ुआ का संगठन तुम्हारा है। हाँ एक हम महाकाल का ड्रेस पहने हुए थे तो बोलता है तू महाकाल का जो ड्रेस पहना है वो साला दंगा फसाद करने वाला है, क्या एक महाकाल ड्रेस में दंगा फसाद में आपको दिख रहा है? एक महाकाल का ड्रेस हम एक भगवा गमछा पहने तो इसमें हम आतंकवादी हो गए, कोई मुस्लिम कोई मुस्लिम टोपी पहन कर रहा था वो एक मुस्लिम हो गया, और हम जब भगवा गमछा पहन लिया तो हम आतंकवादी हो गए, कहाँ से आपको दिख रहा है आतंकवादी का चीज, और कहाँ इसमें लिखा हुआ कि आप महाकाल का ड्रेस में आपको किस समय से आपको महाकाल का ड्रेस में आपको आतंकवादी नजर आने लगे हम लोग, तो हम लोग आतंकवादी कैसे बोल देगा, गाली क्यों देगा हम लोग को, आप पुलिस से नहीं जाए हम लोग जबकि गलती नहीं कर थाना में बिठा कर रख सकते हैं, हम लोग पानी मांगे गिलास उसे डीआईजी से तो बोलता है तुम पानी किससे मांगा तुमको मालूम है तुमको सला जिंदगी भर पानी पिला देगा, तब थाना में एक गिलास पानी मांगते हैं तो पानी के लिए भी गाली दिया जाता है हिंदू को, और जबकि जो नूर मुस्तफा है मुस्लिम को बचाने के लिए पूरा सपोर्ट करने बना जहाँ तक उसको पहुँचने का वहाँ तक कदम उठा लिया, और हमारा हिंदू समाज के लिए हम लोग वहाँ पर उल्टा सीधा गंदा गाली दे रहा है थाना में 2 दिन बिठा के रख दिया, गलत किया कि नहीं किया? सरकार तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है क्या यहाँ पे? एकदम बहुत ज़्यादा कर रही है, जो नहीं करने का वो कर रही है।